हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नर्सों की हड़ताल से मेयो मेडिकल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हालात बिगड़ने लगे हैं। कैजुअलिटी में मरीजों की भीड़ के बाद भी उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। वार्डों में मरीजों को सलाइन कौन लगाएगा, इंजेक्शन कौन देगा, ये सवाल गंभीर हो गया है। पिछले 3 दिनों के भीतर तीनों जगह 200 से अधिक नियोजन ऑपरेशन टाल दिए गए। इस दौरान 50 से अधिक मरीजों की मौत भी हो गई है। 2 दिनों तक काम बंद आंदोलन के बाद शनिवार से नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच केवल इमरजेंसी ऑपरेशन ही हो रहे हैं, जबकि तमाम बड़े ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई है। मरीजों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। मेडिकल के 52, मेयो के 30 और सुपर के 7 वार्डों में नर्सें नहीं है। कैजुअलिटी वार्ड में आने वाले मरीजों का पंजीयन नर्सों द्वारा ही किया जाता है, साथ ही इंजेक्शन लगाने से लेकर ड्रेसिंग भी नर्सें ही करती है। यहां मरीजों को घंटों प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। नर्सों की हड़ताल से निवासी डॉक्टरों पर बोझ बढ़ गया है। स्थिति यह है कि सभी सीनियर निवासी डॉक्टरों सहित जूनियर की 24 घंटे ड्यूटी लगा दी गई है। बारिश शुरू होने के पहले जिले के सभी सिंचाई प्रकल्पों, नहरों, तालाबों की दुरुस्ती का कार्य किसी भी हालत में पूरा करने का निर्देश पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने अधिकारियों को दिए हैं। सिंचाई प्रकल्पों की स्थिति पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। सावनेर, काटोल व मौदा तहसीलों के प्रकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सावनेर के खैरी नहर के प्रलंबित कार्य तत्काल पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल को ध्यान में रखते हुए कार्य को गति दे। नागरवाड़ी और महुरकुंड तालाब का कार्य पूरा करे। पेंच बफर जोन के तालाब ओवरफ्लो होते थे, लेकिन अब ये तालाब 50% भी नहीं भरते, इसकी दुरुस्ती करने का निर्देश उन्होंने दिया। कुछ तालाबों के कार्य वन विभाग के अडंगों के कारण लटके हुए हैं। नहरों की दुरुस्ती भी नहीं हुई है। कोची बैरेज बैकवाटर के कारण खेकरा नाला में पानी आता है। रोड की दुरुस्ती करनी है। ये सारे कार्य तेजी से निपटाने का निर्देश उन्होंने दिया है। काटोल तहसील में 250 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए कार प्रकल्प का कार्य भी अनेक दिनों से अधूरा है, जिसके कारण परिसर के गांवों का पुनर्वसन भी लटका है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से अप्रैल महीने से नदियों और नालों की सफाई शुरू कर दी गई है। वर्तमान में काफी हद तक नदी और नालों की सफाई होने का दावा भी बनपा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इस अभियान की पोल खोलते हुए सफाई का केवल दिखावा होने का आरोप राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के राष्ट्रीय समन्वयक एडवोकेट अक्षय समर्थ ने लगाया है। बनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और घन कचरा व्यवस्थापन के उपायुक्त डॉ. गजेंद्र महल्ले को पत्र सौंपकर इसकी जांच करने की मांग की गई। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जिस ठेकेदार को जेसीबी से कचरा निकालने का काम सौंपा गया है, उसमें पूरी तरह से लापरवाही हो रही है। सफाई करते समय उसे कुछ सुझाव देने पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। सफाई में ठेकेदार की मनमानी चल रही है। समर्थ ने कहा कि वास्तविक रूप में नदी या नालों से कचरा निकालने के बाद उसे किनारों पर रखने तथा बाद में वाहनों से कचरा किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाना चाहिए, किंतु वर्तमान में जेसीबी से कचरा तो जमा किया जा रहा है, लेकिन उसे नदी और नालों के भीतर ही किनारों पर रखा जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से अमृत योजना के तहत गिट्टी खदान स्थित रामदेव बाबा टेकड़ी में नई टंकी का निर्माण किया गया है। 3.2 MLD क्षमता की इस टंकी को 1200 mm की जलवाहिनी से जोड़ा जाना है, जिसके लिए मनपा और OCW ने पेंच 2 जल शुद्धिकरण केंद्र पर 18 घंटे का शटडाउन करने का निर्णय लिया है। 31 मई की सुबह 10 बजे से 1 जून के तड़के 4 बजे तक काम किया जाएगा, जिसके बाद ही जलापूर्ति सुचारू हो सकेगी। इस दौरान शहर में 10 जोन में से 4 जोन की जलापूर्ति बाधित रहेगी। धर्मपेट जोन, लक्ष्मी नगर जोन, हनुमान नगर जोन और मंगलवारी जोन में स्थित टंकियों से जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। चूंकि टंकियों की ही जलापूर्ति बंद रहेगी, अतः टैंकर से भी जलापूर्ति नहीं होने की जानकारी मनपा ने दी है। बताया जाता है कि गिट्टी खदान में वर्ष 1980 में टंकी का निर्माण किया गया था। अब इस टंकी की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, जिससे नई टंकी का निर्माण तो कराया गया, लेकिन इस पुरानी टंकी का भी पुनरुद्धार किया जाना है। माना जा रहा है कि इस कार्य के चलते विशेष रूप से पश्चिम नागपुर और दक्षिण पश्चिम नागपुर की जलापूर्ति प्रभावित होगी। हड़ताल के कारण घाटे में आया ST महामंडल अब धीरे धीरे नुकसान की भरपाई कर रहा है। वर्तमान में करीब 400 बसें हर इलाके में चलाई जा रही है। पहले शहरी क्षेत्र में बसें चलाई गई, अब ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है, जिसका परिणाम यह कि सभी बसों की आय प्रतिदिन करीब 40 लाख के आसपास हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही महामंडल का कोष घाटे से उभर जाएगा, क्योंकि अब उसकी आमदनी भी बढ़ रही है। दूरी के यात्रियों के लिए शिवशाही बसें भी चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, साथ ही ST प्रबंधन को भी लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि ST महामंडल के कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए करीब 6 से 7 महीने हड़ताल की। इस दौरान बसों की संख्या 10 से 12 रह गई,
लेकिन बाद में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने पर इसे बढ़ाया गया। जनवरी से शुरू हुआ ये क्रम अप्रैल आते आते 400 के स्तर पर पहुंच गया। इसी बीच सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। यहाँ एसटी की बसें ही लाइफलाइन मानी जाती है। उनके न चलने से मौके का लाभ निजी बस संचालकों ने उठाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज यानी 30 मई से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में प्री मानसून बारिश की भविष्यवाणी की है और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने मानसून के आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की है और ये सामान्य तिथि की तुलना में कम से कम 4 से 5 दिन पहले होने की संभावना है। महाराष्ट्र में प्री मानसून बारिश की गतिविधि के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर कश्यप ने कहा कि 2022 में पूर्व महाराष्ट्र की तुलना में बाकी राज्य में प्री मानसून वर्षा गतिविधि कम थी। 30 से 31 मई तक राज्य में गर्मी की बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के बारे में बात करते हुए डॉक्टर कश्यप ने कहा कि अगले 48 घंटों में प्री मानसून बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन 30 मई के बाद महाराष्ट्र के उपरोक्त 2 क्षेत्रों में प्री मानसून बारिश बढ़ जाएगी। परभणी, बीड, नांदेड़, लातूर, हिंगोली और उस्मानाबाद जिलों में भी प्री मानसून बारिश होगी और विदर्भ में अमरावती, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और भंडारा में समय समय पर अलग अलग स्थानों पर इसी तरह के मौसम की भविष्यवाणी की गई है। शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग का एक दिवसीय कार्यशाला नव संकल्प सोशल मीडिया शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पूरे देश के सभी राज्यों से सोशल मीडिया प्रभारी एवं सहयोगियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन रोहन गुप्ता ने कहा कि नफरत के विरुद्ध युद्ध लड़कर भाजपाई प्रोपोगेंडा ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। इस शिविर में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया राज्य प्रभारी प्रणव, स्टेट कोऑर्डिनेटर गजेंद्र सिंह के अलावा नलिन मिश्रा ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में झारखंड कांग्रेस सोशल मीडिया प्रमुख गजेंद्र सिंह ने झारखंड में सोशल मीडिया टीम एवं वॉरियर्स को लेकर वरिष्ठ नेता गण से विस्तृत चर्चा की। इस बारे में विस्तृत जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सतीश पॉल मुंजनी ने दी। अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल का 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन वर्धा में होगा। महामंडल की अध्यक्षा उषा तांबे ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करते हुए कहा, अप्रैल 2022 में उद्गीर में आयोजित 95 मराठी साहित्य सम्मेलन के बाद मराठी साहित्य जगत में जिज्ञासा थी कि अगला सम्मेलन कहां और कब होगा। चूंकि ये वर्ष विदर्भ साहित्य संघ का शताब्दी वर्ष है, महामंडल के एक घटक निकाय विदर्भ साहित्य संघ के पदाधिकारियों ने विदर्भ में अपना 96वां सम्मेलन आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की थी। पदाधिकारियों ने बैठक के स्थल के रूप में वर्धा का सुझाव दिया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए उषा तांबे ने बताया कि निगम की स्थल चयन समिति ने शनिवार को वर्धा का दौरा किया, मैदान, पार्किंग स्थल, पुस्तक प्रदर्शनी स्थल और आवास व्यवस्था का भी जायजा लिया। ये नतीजे पर पहुंचा गया कि वर्धा 96वें अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए उपयुक्त स्थान है। इस निर्णय को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। शिखर सम्मेलन जनवरी या फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। पत्रकार परिषद में अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल के सचिव उज्ज्वला मोहिंदले, कोषाध्यक्ष प्रकाश पागे व विदर्भ साहित्य संघ के सरचिटनीस विलास मानेकर की प्रमुख उपस्थिति रही। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविडशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,851 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,35,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 16 मामलों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 90,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 1,700 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहनों से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। भाजपा पूर्व नागपुर मीडिया सेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर उनके निवास स्थान पर पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार किया। मनोज अग्रवाल भाजपा पूर्व नागपुर मीडिया प्रमुख, हितेश जोशी पूर्व नगर सेवक, इंद्रजीत वासनिक ने उन्हें संयुक्त रूप से पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। वरिष्ठ नेता कृष्ण कावले भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा का दुपट्टा गले में पहनाकर स्वागत किया।
उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पूर्व कावले ने निजी वजह से त्यागपत्र दिया था। प्रवेश समारोह के समय भाजपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे, विदर्भ के संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर के अलावा अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। कावले ने सभी का आभार माना। समर्पण सेवा समिति द्वारा नागपुर के बड़कस चौक महल में पूर्व विधायक गिरीश व्यास के जनसंपर्क कार्यालय के प्रांगण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर विशाल केक काटा गया। मिठाई एवं गर्मी से बचने हेतु दुपट्टे का वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरीश व्यास, निशांत गांधी, नरेश जुम्मानी, किशोर भैया, नरेंद्र कौशिक, उमेश महतो, चेतन मारवा, मनोज तिवारी, राजेश रोकड़े, जेठानंद खंडवानी, महेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, अजय टक्कामोरे, ब्रजमोहन उपाध्याय, रविकांत तिवारी, विजय निमजे, वंदना इनगंटवार, ओम चौधरी, सागर, भाजपा महिला आघाड़ी के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर न्यू प्रभाग तेज बजरिया में जमुनादास रोड परिसर में प्रत्येक नागरिकों को गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखने हेतु घरों में दो रंग की दो दो बाल्टी पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते वितरित की गई। इस अवसर पर मध्य मंडल संपर्क प्रमुख ब्रजभूषण शुक्ला, प्रभाग सहसंयोजक अजय गौर, बूथ अध्यक्ष अमूल कोल्ले, ऋषि शाहू, राकेश आष्टी, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रशांत गौर, नितिन मंथनकर, शैलेश ठाकुर, विनय पाठक, अंकित शाहू, श्रवण शाहू, गोकुल प्रजापति आदि भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाड़ी नागपुर महानगर की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन अध्यापक भवन गणेशपेट बस स्टॉप के पास किया गया। शिविर में आघाड़ी प्रदेश पदाधिकारी जयसिंह कछवा, प्रमोद डिमोले, भास्कर पराते सहित अनेक कामगारों व नागरिकों ने रक्तदान किया। प्रास्ताविक भाषण शहर अध्यक्ष भास्कर पराते ने दिया। इस शिविर में मुख्य रूप से जयप्रकाश गुप्ता, सदस्य खादी ग्रामोद्योग आयोग विनायक डेहनकर, महामंत्री नागपुर महानगर जयसिंह कछवा, सचिव भाजपा कामगार आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश प्रमोद डिमोले, सदस्य भाजपा कामगार आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश, नगरसेवक प्रवीण भिसीकर, पूर्व नगरसेवक भास्कर पराते अध्यक्ष भाजपा कामगार आघाड़ी नागपुर महानगर, किशोर गावंडे महामंत्री मध्य नागपुर मंडल, अनिता शर्मा, गिरिधारी निमजे, शीतल पाटिल, छबू थेवर, मनोज तुप्पट शामिल थे। श्री भवानी माता सेवा समिति द्वारा संचालित पारडी स्थित 110 बेड क्षमता के श्री भवानी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नितिन गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 से 28 मई तक स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस पूरे सप्ताह में सभी वर्ग के मरीजों के लिए निशुल्क ओपीडी की सेवा के साथ आर्थिक रूप से दुर्बल करीब 100 मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन करने का मानस श्री भवानी माता सेवा समिति द्वारा लिया गया। जनसेवार्थ किए गए इस कार्य का लाभ सैकड़ों मरीजों ने उठाया, जिसमें करीब 2000 मरीजों की निशुल्क ओपीडी, 70 मरीजों के मोतियाबिंदु के ऑपरेशन, 30 मरीजों की सामान्य शस्त्रक्रिया जिसमें हाइड्रोसिल, हर्निया, पाइल्स, फिशर, न्यूरोसर्जरी, किडनी स्टोन के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में श्री भवानी माता सेवा समिति द्वारा हॉस्पिटल परिसर में गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटकर मिठाई बांटी गई एवं मां भवानी से गडकरी के दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष पांडुरंग मेहर, उपाध्यक्ष मिलिंद ठोकर, सचिव हरिदास वाड़ीभस्मे, सहसचिव नितिन अरसपुरे, दिवाकर धुपटे, नंदकिशोर तड़स, मंगेश आतिलकर, मुकेश हटवार, डॉक्टर तृप्ति सावलानी, हॉस्पिटल के संपूर्ण डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब जल्द नागपुर से गोंदिया के बीच मेट्रो का काम शुरू होगा। मेट्रो से 1 घंटा 5 मिनट में वातानुकूलित बोगी में नागपुर गोंदिया की यात्रा हो सकेगी। इसी प्रकार नागपुर से गोंदिया, गोंदिया से चंद्रपुर और चंद्रपुर से नागपुर रिंग मेट्रो भी होगी, जिससे आने जाने में आसान सुविधा होगी। वे 29 मई रविवार को जिला क्रीड़ा संकुल में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर आमगांव गोंदिया राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण, गोंदिया बालाघाट मार्ग पर बस स्थानक समीप रेलवे क्रॉसिंग के उड़ान पुल निर्माण और हड्डी टोली उड़ान पुल के 350 करोड़ के कामों का भूमि पूजन किया गया। गडकरी ने कहा कि यह चावल उत्पादक जिला है, यहाँ से चावल बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। अब ड्राईपोर्ट की मांग के अनुसार रेलवे परिसर में 200 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसकी 6 माह में मंजूरी लेकर भूमि पूजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के राष्ट्रीय महामार्ग के काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं, कुछ काम प्रगति पथ पर है, जिनका भूमि पूजन रविवार 29 मई को किया गया है। शहर के पश्चिम क्षेत्र के रिंग रोड का भू संपादन शुरू है, वही मेडिकल कॉलेज परिसर के रिंग रोड को मंजूरी दी जा रही है।
भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर 27 मई से जारी प्रेस क्लब सिविल लाइंस नागपुर में महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के द्वारा आयोजित पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नाना पटोले, खेल मंत्री सुनील केदार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता अलका लांबा, नागपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र मुलक, विधायक विकास ठाकरे, विपक्ष के नेता तानाजी वनवे, सुरेश भोयर, कृष्ण कुमार पांडे, प्रफुल्ल गुड्डे पाटिल, रविन्द्र दारोकर, नितिन कुंभलकर, अतुल लोंडे, विशाल मुत्तेमवार, किशोर जिचकार, नरेंद्र जिचकार, रत्नाकर जयपुरकर, सुरेश पाटिल, दीपक खोबरागड़े, विनोद राउत आदि ने भेंट दी। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत और उनके साथ सभी युवक कांग्रेस पदाधिकारियों को प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए सराहा और नेहरू जी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने लाने की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि नेहरू जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया था, देश को खड़ा किया और आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। आज के युवाओं को देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, उन्होंने कहा। वाड़ी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा द्वारा न्यू मिडस्टार पैथोलॉजी लैब में मेडिकल कैंप का निःशुल्क आयोजन किया गया। उनके पूरे टीम ने काफी लोगों का ब्लड शुगर, बीपी एवं अन्य जांच की। उसके बाद पृथ्वीराज के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस उपक्रम में उत्तर भारतीय सभा के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, श्री राजपूत करणी सेना हिंगना विधानसभा अध्यक्ष सुष्मित सिंह राजपूत, ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर, वकील देव विश्वकर्मा, पीएस तिवारी, जेकेसी पवन सिंह, लकी गुप्ता, रंजना मिश्रा, सोनाली भैसारे, मीरा बोरजे, सोनू मिश्रा, विपिन वानखेड़े, भास्कर मिश्रा ने भरपूर सहयोग दिया। वाड़ी 10 नंबर नाका होटल हाईवे ग्लोरी के सामने शिवलिंग की मूर्ति विराजमान की गई। सुबह से कथा पूजा के बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शिवलिंग को 5 मंदिर घुमाए गए। डॉक्टर भालेराव द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई। शिवलिंग को गंगाजल पंचामृत दूध से रुद्राभिषेक कराया गया। इस रुद्राभिषेक समारोह में कैलाश शर्मा, रामनिवास अग्रवाल, प्रवीण सिंह, सुष्मित सिंह राजपूत, पीएस तिवारी, वकील विश्वकर्मा, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, पवन सिंह, लकी गुप्ता आदि शामिल थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।